निंदनीय कार्य करने पर रावण जैसा विद्वान ब्राह्मण क्या हुआ उसका? उसके दुष्कर्मों की आज तक जलन होती है, आज तक जलाया जाता है वो। रैदास जी महाराज आज भी पूजे जाते हैं कि नहीं? सम्मान होता है कि नहीं? सबरी को प्रत्येक ब्राह्मण मैया कह के बुलाते हैं कि नहीं? जवाब दो। केवट को, निषाद को क्या कहते हैं? मैं फिर कह रहा हूं सनातनियों से, जातियों के चक्कर में मत पड़ो, वरना आने वाली पीढ़ी तुम्हारी दुख भोगेंगे। चाहे कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चतुर्वर्ग हो, कोई क्यों ना हो, जो जाति की चर्चा करेगा वो इस देश का बंटवारा करने जैसा है, देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तुम किसी भी जाति में जन्म ले लो, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है तो तुम कहीं भी न प्रशंसनीय हो न सम्माननीय हो। और एक और बात बता दें, दुनिया से छिपा के भी पाप कर लोगे, दुनिया से तो छिप जाओगे, पर ठाकुर जी से कैसे छिपोगे मेरे प्यारे? कैसे छिपोगे? यस अपयस विधि हाथ, ये यस और अपयस तो परमात्मा के हाथ में ही है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। दुनिया तुम्हें अच्छा समझे ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा कन्हैया तुम्हें अच्छा समझ ले इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरा कन्हैया तुम्हें अच्छा समझ ले, फिर और की जरूरत पड़ेगी? बताओ, आवश्यकता पड़ेगी? कोई डिस्को में नाच रहा है, कोई मद्रालय में नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या है? ये अपने जीवन का पतन नहीं है? ये अपने संस्कारों का मर्डर नहीं है? सोचनी है बात। ये हर बच्चे को सीखना चाहिए, कपड़े उतार के कोई मॉडर्न नहीं हो सकता, संस्कारों को मार कर कोई मॉडर्न नहीं हो सकता, अपने मां बाप के सम्मान को समाप्त करके कोई मॉडर्न नहीं हो सकता। उस बच्चे का जन्म बेकार है जिसके कारण मां बाप को नीचा देखना पड़े। ऐसे जन्म से क्या लाभ, बेटा हो या बेटी, इट डजंट मैटर। वही संतान योग्य है जिसके कारण मां बाप का सर ऊंचा होना चाहिए, सर ऊंचा हो।